हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी नॉलेज हब हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम के बारे में, जिन्हें क्रैक करना इम्पॉसिबल तो नहीं बट ये उतना इजी भी नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन एग्जाम में अपियर होते हैं पर इनमें से कुछ ही लोगों को सक्सेस मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम इन एग्जाम के बारे में बात करते हैं जो इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में शामिल है। UPSC सिविल सर्विसेज। UPSC सिविल सर्विसेज यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसे UPSC के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम के जरिए कैंडिडेट का सिलेक्शन डिफरेंट टाइप के सेंट्रल और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज पोस्ट जैसे IAS, IFS, IPS और IRS में किया जाता है। इस एग्जाम के 3 लेवल हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे CSET के नाम से भी जाना जाता है, फिर मेन एग्जामिनेशन और उसके बाद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द फिगर इस एग्जाम में हर साल 9 लाख कैंडिडेट अपियर होते हैं बट इनमें से सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट को सक्सेस मिलती है। इस एग्जाम का पासिंग परसेंटेज भी सिर्फ 0.1 से लेकर 0.3% है। क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इस कारण ये एग्जाम इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। IIT JEE एडवांस जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन यानी JEE एडवांस इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है। इस एग्जाम के जरिए स्टूडेंट का सिलेक्शन इंडिया के प्रेस्टिजियस IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बाकी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए होता है। ये एग्जाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें सबसे पहले JEE मेंस और फिर JEE एडवांस है। हर साल लगभग 12 से 14 लाख स्टूडेंट JEE मेंस में अपियर होते हैं और उनमें से सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही JEE एडवांस के लिए हो पाता है, यानी लगभग 11,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन ही इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो पाता है। क्योंकि इस एग्जाम में कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई है और इसमें पेपर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है, जिसके कारण सिर्फ कुछ ही लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE। GATE इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन एग्जाम है, जिसके जरिए कंट्री के टॉप कॉलेजेस में MEM Tech कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है। ये एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc और कंट्री के टॉप 7 ओल्डेस्ट IITs यानी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, जिसे एफिशिएंटली कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। AIIMS UG। AIIMS इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक है और इसमें एडमिशन इंडिया के हर मेडिकल एस्पायरेंट का ड्रीम होता है। ये एक MBBS एग्जाम है जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी AIIMS दिल्ली के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम के जरिए स्टूडेंट का सिलेक्शन AIIMS के 7 कैंपसेस में एडमिशन के लिए होता है। इसकी सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है और इसके एग्जाम का लेवल भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जिसे क्लियर करना काफ़ी टफ है। NEET UG। नीट एक प्री मेडिकल टेस्ट है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के थ्रू MBBS और BDS के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। हालांकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल AIIMS के प्री मेडिकल टेस्ट से सिर्फ थोड़ी ही कम है, पर फिर भी इसका सिलेक्शन रेट भी काफ़ी कम है। हर साल मेडिकल के 1 लाख सीट के लिए लगभग 10 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में अपियर होते हैं, जो इस एग्जाम के कॉम्पिटिटिव लेवल और डिफ़िकल्टी को दिखाती है। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT। CAT के थ्रू स्टूडेंट इंडिया के टॉप 20 स्कूल में एडमिशन लेते हैं। इसमें IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और बाकी के इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इस टेस्ट में स्टूडेंट को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी स्किल टेस्ट के साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू से भी होकर गुजरना पड़ता है। 2 लाख में से सिर्फ 1500 कैंडिडेट का सिलेक्शन ही अच्छे परसेंटाइल के बेसिस पे इंडिया के टॉप 20 स्कूल में हो पाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम। ये एक डिजाइन एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम है जो कैंडिडेट के डिजाइनिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कंडक्ट करवाई जाती है।
इस एग्जाम के जरिए स्टूडेंट का सिलेक्शन इंडिया के प्रीमियम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NIDs में होता है। इस एग्जाम के फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट के डिजाइनिंग स्किल्स जैसे प्रिसेप्शन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट और मोटिवेशन का टेस्ट लिया जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फिर नेक्स्ट राउंड में जाते हैं जहां पर उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन इंडिया के बेस्ट डिजाइनिंग कॉलेजेस में होता है। इस एग्जाम में सिर्फ एक्सट्रीमली क्रिएटिव स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी UGC नेट नेट एग्जाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है, जिसके जरिए कैंडिडेट का सिलेक्शन स्कूल और कॉलेज लेवल के असिस्टेंट लेक्चरर्स और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF के लिए होता है। इस एग्जाम में मास्टर्स के लगभग सारे सिलेबस को कवर किया जाता है। ये टेस्ट 83 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। इस टेस्ट में सीट्स काफ़ी कम होती है, जो इस एग्जाम को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक बनाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA। NDA एग्जाम इंडिया के सबसे टफेस्ट और रिपोर्टेटेड एग्जाम में से एक है। इस एग्जाम के थ्रू कैंडिडेट का सिलेक्शन NDA के डिफरेंट सर्विसेज जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में होता है। NDA में सबसे पहले कैंडिडेट का रिटन टेस्ट होता है, फिर उसमें सिलेक्शन के बाद SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जिसमें साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। इस एग्जाम में कैंडिडेट की फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों की टेस्ट की जाती है। CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA एग्जाम हर साल ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। इस एग्जाम के 3 लेवल होते हैं, जिसमें कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी CPT, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स यानी IPCC और फिर CA फाइनल एग्जाम है। इस एग्जाम का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और इसका प्रोसीजर भी काफ़ी लंबा है, जिसके कारण ये इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में शामिल है। तो फिर आपको कैसा लगा इन सारे एग्जाम्स के बारे में जानकर? हालांकि ये सारे एग्जाम्स काफ़ी टफ है, पर फिर भी मेहनत के साथ साथ राइट डायरेक्शन, मोटिवेशन और परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। आप इनमें से किस एग्जाम को सबसे ज़्यादा टफ मानते हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल देन, गुड बाय।